नमस्कार बाल मित्र में आपका स्वागत है। आज हम गणतंत्र दिवस के लिए 15 पंक्तियों वाला सुंदर हिंदी निबंध देखेंगे। यह निबंध बहुत ही आसान और सुंदर है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में 26 जनवरी 1950 को अपना खुद का हस्तलिखित संविधान लागू हुआ था। तभी से हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। छब्बीस जनवरी 1950 को जब हमारे देश में संविधान लागू होने से उसी समय से हमारा देश एक गणतांत्रिक देश माना जाता है। गणतांत्रिक का मतलब है गण यानी कि जनता का तंत्र, अर्थात जनता के लिए, जनता के बीच से जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का तंत्र। संविधान लागू होने से पहले हमारे देश का शासन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर चलता था। बाबा साहेब अंबेडकर संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। बाबा साहेब को आज़ादी के बाद संविधान के मुख्य वास्तुकारक के रूप में सम्मानित किया गया। 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति लाल किले से देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं। इस पावन अवसर पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा झंडा फहराया जाता है और उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। इस दिन देश के सभी राज्यों के सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में अवकाश रहता है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। इसे भारत के सभी राज्यों में तथा सभी जाति एवं धर्म के लोगों द्वारा उत्साह से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस पर सभी राज्य अपनी अपनी झांकियों को राजपथ पर निकालकर भाईचारे एवं सहयोग का संदेश देते हैं। इस पर्व को मनाने का हमारा उद्देश्य देश की एकता तथा गौरव को बनाए रखना है। इस दिन सभी देशवासी मिलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं तथा उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करके उनका और देश की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक धन्यवाद।